सिंगरौली जिले के चितरंगी विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने अतिथि शिक्षक भर्ती में अनियमितता के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती नियमानुसार हुई है। दरअसल सिंगरौली जिले के चितरंगी विकासखंड शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल पर पिछले दिनों अतिथि शिक्षक भर्ती में अनियमितता बरतने के आरोप लगाए थे, जिसकी सच्चाई को जानने के लिए संबंधित अधिकारी से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि लोक शिक्षण संचालनालय के नियमानुसार प्राथमिक शाला गढ़ोर में पैनल के अनुसार विधिवत प्रक्रिया के अनुरूप भर्ती हुई है। सिंगरौली से शिवेंद्र धर द्विवेदी की रिपोर्ट। मैं आप लोगों के सामने खुलासा करना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षक की भर्ती कक्षा एक से लेकर के कक्षा आठवीं तक SMC करती है, कक्षा नौ से बारह तक की अतिथि शिक्षक की भर्ती SMDC करती है। इसमें ना तो BO का विशेष रोल रहता है, ना DO का, ना संयुक्त संचालक और ना DPI। जो अति शिक्षक भर्ती के लिए गाइडलाइन जारी होते हैं वो संबंधित संकुल प्राचार्यों प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध करा दिया जाता है और उसके अनुरूप ही भर्ती करने के लिए बाध्य होते हैं। ये एक जो शिकायत है हमारे खिलाफ खबर वायरल हो रही है, ये हमारे प्राथमिक पाठशाला गढ़ोर की है। यहाँ पे अति शिक्षक की भर्ती माह अगस्त में गलत तरीके से की गई थी, जिसके अग्नेस्ट में जो पिछले वर्ष काम करती थी आरती सिंह, वो अपने शिक्षा केंद्र प्रभारी और संकुल प्राचार्य के यहाँ शिकायत लेकर के गई, आवेदन किया और उसके पश्चात उसकी भर्ती नियम जो 2018 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा आदेश प्रसारित किया गया है तथा 12 अगस्त 2022 को आयुक्त महोदय के द्वारा कोर्ट के इसी आदेश का हवाला देते हुए लोगों को निर्देश दिया गया है कि यदि हम किसी नए अति शिक्षक को भर्ती कर रहे हैं तो पुराने अति शिक्षकों को और जो पैनल में काम कर रहे थे उनसे लिखित में इस्तीफा लेना आवश्यक होगा तथा उसे फाइल में संधारित करना होगा। PS गढ़ोर ने इस बिंदु का पालन नहीं किया गया है, वो डायरेक्ट अति शिक्षक के रूप में रीता सिंह को रख लिए थे, जिसका विरोध पिछले सत्र में आरती सिंह जो कर पढ़ाई थी उसने विरोध किया और अपने भर्ती करा लिया। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, वो शासनादेश का के हिसाब से लोगों के द्वारा कार्यवाहियां की गई हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत ना तो कोई लेटर है और ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, ना कोई दबाव है। की गई शिकायत एकदम से निराधार है, उसने कोई काम नहीं किया है, ना कोई पे डाटा है तो पैसा भी नहीं मिलेगा। उसके जितने दिन काम किए गए हैं उस कामों का पैसा दे दिया गया है, ये शिकायत एकदम से झूठी है। अध्यक्ष शिक्षकों में जो मेरिट बनती है, मेरिट के हिसाब से नियुक्ति होती है? अनुभव के आधार पर? हाँ, मेरिट के आधार पर बनती है और मेरिट स्कूलों की होती है। उस मेरिट में आरती सिंह थी, उससे कुछ पूछा नहीं गया, उससे कोई लिखित में इस्तीफा नहीं लिया गया और इस वजह से उसको शिकायत करने का अवसर मिला और शिकायत किया, उसकी भर्ती कर लिए लोग, तो समस्याएं खत्म हो गए। उसको सितम्बर लास्ट निकाल दिया गया, वो अधिकार SMC को है, SMC अपने अधिकार का प्रयोग किया है, उसमें BO का कोई हाथ नहीं है। चलिए, आपने अपनी बात जो है तो मीडिया के सामने रखा है, आपकी बात आम लोगों तक, अधिकारी कर्मचारियों तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।